नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश मिश्रा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है। अभी तक जो बात हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, उसके प्रमुख नगरों की बात चल रही थी। आप लोगों को बता दें, हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः सात हैं ऐसे नगर जिनको नगरों की संख्या दी जा सकती है। वैसे नगर में राखीगढ़ी को आज नगर बताया जा सकता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है। तो हम लोगों ने दो नगर पहले ही चर्चा में देख लिए थे, कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज तीसरे नगर चहुंदड़ो के बारे में बात करेंगे। चहुंदड़ो जो है, ये भी अपने आप में कई सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ रहा है जिससे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या मिली है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना। अब बात आई मनका क्या होता है। मनका जो है वो एक अर्नामेंट है जो उस समय के पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती थीं अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए। तो ये मनके उस समय पूरे के पूरे क्षेत्र में कई सारी जगहों पे बनाए जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मनका बनाने का जो कारखाना है वो आपको चहुंदड़ों में देखने को मिलता है। यहाँ से पत्थर के कुछ छोटे मोटे मनके वगैरह बनाए जाते थे, और धातुओं के भी मनके बनाए जाते थे, हड्डियों के मनके भी बनाए जाते थे। साथ ही साथ इस चहुंदड़ों से एक चीज और देखी गई है कि जो चहुंदड़ों स्थल है उसका जो नगर क्षेत्र है, उस नगर क्षेत्र में दुर्ग नहीं देखा गया। अभी तक आप क्या देख रहे थे, दो क्षेत्र थे, पूरब और पश्चिमी क्षेत्र, जहां पे एक क्षेत्र दुर्गीकृत होता था, एक क्षेत्र गैर दुर्गीकृत होता था। लेकिन चहुंदड़ों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी गई है, ये गैर दुर्गीकृत क्षेत्र है। दूसरी चीज, इस चहुंदड़ों से जो पश्चिमी टीला है, इस क्षेत्र में जो उस समय के वर्चस्वशाली लोग या कह सकते हो प्रभुत्वशाली लोग रहते थे, उनके जो लाइफस्टाइल थी उस पर भी काफी गौर किया गया है। यहां से कई ऐसी सामग्री मिली हैं जो बताई जाती हैं कि उस समय के संभ्रांत व्यक्तियों के यूज की रही होंगी, जैसे सोने चांदी के आभूषण वगैरह मिले हैं। यहाँ से आभूषण मिले हैं, सॉरी, यहाँ से जो अनाज मिला है, सॉरी अनाज ना कहें बल्कि अनाज के जो अवशेष मिले हैं काफी सही स्थिति में मिले हैं। अनाज के अवशेष काफ़ी सही स्थिति में पाए गए हैं चहुंदड़ों से। चहुंदड़ों से ये भी देखा गया है कि उस क्षेत्र में जो समाधियां वगैरह बनाई जाती थी उसमें भी एक युगल समाधि के बारे में भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सब कहानी चहुंदड़ों की चल रही है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ। जो मोहनजोदड़ो है उसको दुर्ग टीला भी कहा गया है। माफ़ी चाहता हूँ, पहले मोहनजोदड़ो में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, मैं आज ये बता रहा हूँ। इसको क्या कहते थे, दुर्ग टीला। किसको, पश्चिमी टीले को, सॉरी पश्चिमी टीले को। जो ये वाला क्षेत्र है इसमें इस पश्चिमी टीले को क्या बताया जाता था, दुर्ग टीला। और दुर्ग टीला इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें कुषाणकालीन एक दुर्ग पाया गया है, सॉरी दुर्ग नहीं बल्कि स्तूप टीला कहते हैं, स्तूप टीला कहते हैं। कुषाणकालीन यहाँ पे एक स्तूप पाया गया। अब बात यह आती है मुद्दे की कि क्या उस समय स्तूप बनते थे, या ये स्तूप उस समय के मतलब मोहनजोदड़ो जैसी संस्कृतियों से अपना कोई नाता रखते थे। तो यहाँ पे सीधा सा जवाब है, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या था कि जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे मान लीजिए ये छोटी सी बस्ती है, ढेर सारे मकान वगैरह हैं। अब चूंकि नदी के किनारे थे, नदी में बाढ़ आई, ये सब पूरा का पूरा ढक गए। ढकने के बाद दोबारा इनके ऊपर ये जो मैदान बन गया था, इनके ऊपर दूसरी बस्ती कोई बसी, मान लो नदी ने इसको भी ढक दिया बाढ़ में। फिर उसके बाद फिर से मैदान खुला हुआ मिल गया, लेकिन उन सारी चीज़ों के नीचे जो पुरानी बस्तियां थी वो सब विद्यमान हैं। ऐसे ही कई सारे स्तरों के बाद जब कुषाण वंश आता है, आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा आगे,
कुषाण वंश के समय में जब उन लोगों ने खास करके जो ये कनिष्क वगैरह कुजलू कटभिषज भीम कटभिषज ऐसे जो लोग आए उस समय जो कनिष्क था वो जैन धर्म से आस्था रखता था, तो जब ये आता है तो ये वहाँ पे एक स्तूप बनवा देता है। तो स्तूप कहाँ है, काफ़ी ऊपर है, जबकि जो उसके स्तर हैं उनमें निचले स्तरों में मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के अवशेष मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्तूप बाद का है, ये चीज़ें पहली हैं। और जब ये चीज़ें पहले की हैं, इनके सारे के सारे साक्ष्य पुराने हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में छोड़ दिया था, तो इसलिए यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान। आज एक राजस्थान में जिला है प्रेजेंट टाइम में श्रीगंगानगर, वहीं पे श्रीगंगानगर। उसी क्षेत्र में कालीबंगा स्थित है। श्रीगंगानगर में पहले एक नदी बहा करती थी, उसका नाम था सरस्वती नदी, ठीक है, जो आज के ज़माने में क्या है, लुप्त तो हो चुकी है। बीच में इधर सरस्वती उद्धार को लेकर कई सारे प्लान भी चले थे, खुदाई वगैरह हुई थी, तो देखा गया था कि नीचे की तरफ पानी अंदर ही अंदर बह रहा है, इसका मतलब ये लुप्त सरस्वती नदी ही है और कोई नदी नहीं। और इसी सरस्वती का नाम बाद में आपको घग्घर भी देखने को मिल जाएगा, घग्घर नदी। तो ये दो नदियाँ जो हैं, दो नदियाँ अलग नहीं, दोनों एक ही नदी हैं। इस नदी के किनारे कौन सा स्थान है, कालीबंगा। वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और सवाल में खूब पूछे गए हैं। यहाँ से एक सबसे बड़ा साक्ष्य जो खूब पूछा जाता है वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, जुते हुए खेत। और जो एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है उसमें आड़ी तिरछी जुताई हुई है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यहाँ पे एक साथ दो फसलें बोई गई हैं, एक साथ दो फसलों के बोई जाने का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। तो ये कालीबंगा की कहानी है। कालीबंगा में क्या दिखाई दे रहा है, सरस्वती नदी या घग्घर नदी जो भी कहो के किनारे है श्रीगंगानगर जिला जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इस जुते हुए खेत से यह भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक साथ एक से अधिक फसलें भी बोई जाती रही होंगी। कालीबंगा से और क्या चीजें मिली हैं, कालीबंगा से अस्थिपंजर वगैरह मिले हैं। अस्थिपंजर बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ने पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता से घोड़े के साक्ष्य को नहीं माना है कि प्राप्त हुआ है, जबकि घोड़े के साक्ष्य इस हड़प्पा सभ्यता से पाए गए। अब चूंकि यूपीएससी ने नहीं माना है तो यूपीएससी इतना डेडिकेटेड है कि अगले सवाल में वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि मान ले, क्योंकि उसने एक बार गलती कर दी है। सवाल उसमें जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया था और साक्ष्य को यस कर दिया है उनके सवाल गलत हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, जैसे राणा गुंडई, एक स्थान है राणा गुंडई, ये पाकिस्तान में है स्थान, आपके वही मोहनजोदड़ो के बगल में मिलेगा। तो राणा गुंडई से घोड़े के जो मुंह के जबड़े के साक्ष्य मिले हैं, मुंह का जो जबड़ा है, घोड़े के मुंह का जबड़ा, उसमें दांत वगैरह जो है वो राणा गुंडई से साक्ष्य मिला। एक स्थान है सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े का पूरा पूरा अस्थिपंजर मिल गया है, ठीक है, दो हो गए स्थान। एक तीसरा स्थान है लोथल, ये बंदरगाह नगर है, ठीक है, गुजरात क्षेत्र में मिलेगा, भोगवा नदी के किनारे। इस लोथल से क्या मिल रहा है, घोड़े के खिलौना जैसी प्रतिकृति मिल रही है, खिलौना। अच्छा चलो, इस
लोथल के खिलौने के बारे में एक बार सोच सकते हैं कि चलो खिलौना, अब चूंकि लोथल बंदरगाह नगर है तो हो सकता है बाहर से आया हो, मंगवाया गया हो बच्चों के लिए, या कोई व्यापारी गया हो वहाँ पे उसको ये चीज़ अच्छी लगी हो अपने बच्चों के लिए ले आया हो। मान लेते हैं कि ये लोथल वाला जो साक्ष्य है एक बार नकारा जा सकता है, लेकिन ये दो साक्ष्य ऐसे हैं जो नहीं नकारे जा सकते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि घोड़ा हड़प्पा वासियों की जानकारी में था और घोड़े के साक्ष्य को हम यहाँ पे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी ने नहीं माना है तो यूपीएससी के एग्जाम से बचिएगा। बाकी अन्य स्टेट एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको ये टिक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये चीज़ सही है, वहाँ पे इसे स्वीकार किया गया। अब देखते हैं लोथल। लोथल जो है वो गुजरात क्षेत्र में है, भोगवा नदी के किनारे, अभी बता भी चुका हूं। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। अब चूंकि ये गुजरात में जो एकदम कह सकते हो अरब सागर के नजदीक में है, तो इसलिए इसको एक और भी टर्म यूज किया गया, बंदरगाह नगर था ये, ठीक है, बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर में कई सारे नगर थे, जैसे एक तो यही लोथल ही है, दूसरा आपका है सुतका कोह, तीसरा है बालाकोट, चौथा है अल्लादीनो, पांचवा है आपका सुतकांगेडोर। ये सारे ऐसे स्थल हैं जो कि बंदरगाह नगर थे, और जो आपका सुतकांगेडोर है ये ऐसा बंदरगाह नगर था जो पहाड़ी पर था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है कि बंदरगाह नगर है, ठीक। तो यहाँ पे कई चीज़ें एक साथ आपको दिख जाएंगी, जैसे लोथल में क्या दिख रहा है, बंदरगाह नगर है। तो जो अभी तक जो परंपरा रही है इनकी, इस हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो मकान बनाए जाते थे उन मकानों के जो गेट हुआ करते थे पीछे की तरफ होते थे, लेकिन यहाँ पर लोथल में आपको क्या दिखेगा, मेन गेट किस तरफ है, नदी की तरफ है, और ये नदी से जो भी सामान लाते थे आराम से इसमें रख सकते थे, मतलब ये घर नहीं बल्कि गोदाम हुआ करते थे, ठीक है। इसका फायदा इनको क्या मिलता था, भाई गोदाम से कोई सामान लेके आए आराम से नाव पे ला दे ट्रांसपोर्ट कर दिए, अगर बाहर से कुछ आ रहा है, अगर इंपोर्ट हुआ है किसी चीज़ का, तो वो इंपोर्ट भी आराम से यहाँ पे इकट्ठा कर सकते थे, तो परिवहन में इनके बड़ी सहूलियत होती थी, ठीक है। नदी वगैरह याद रखना, सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज करते हैं, जब भी आएगा तो वहाँ पे मिलान करने को, कूट मिलान को दे देता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल था। एक स्थल है राखीगढ़ी, ये उस समय, मतलब उस समय का मतलब अभी जब खुदाई चल रही थी उस समय राखीगढ़ी को नगर क्षेत्र में नहीं रखा जाता था, बताया जाता था कि ये छोटा मोटा कोई नगर रहा होगा, लेकिन राखीगढ़ी प्रेजेंट टाइम में अभी भी खुदाई इसकी चल रही है और ये इनलार्ज होता जा रहा है, मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इससे दो सवाल सीधे बन जाते हैं, जैसे ये सवाल बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारतीय, जो भारतीय मतलब भारत देश है, भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे तो पाकिस्तान वगैरह सब आ जाएगा, अगर भारत के अंदर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा हो जाएगा, तब भी राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। अभी तक जब तक राखीगढ़ी के बारे में जानकारी नहीं थी, यही बताया जाता था कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और दूसरे नंबर पर हड़प्पा है, लेकिन राखीगढ़ी के खोजे जाने के बाद अब कंडीशन क्या हो गई, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है, दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो और तीसरे नंबर पर हड़प्पा है। राखीगढ़ी है कहाँ पे, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में, हरियाणा। अब बात करते हैं रोपड़ की, रोपड़ क्षेत्र कहाँ पे है,
रोपड़ है पंजाब में। नदी कौन सी? सतलज। सतलज नदी पंजाब क्षेत्र। ये किसकी बात हो रही है? रोपड़ की। सुत कांगेडोर, इसके बारे में अभी बता भी चुके हैं। ये क्या था? बंदरगाह नगर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ढेर सारे जो नगर क्षेत्र हैं, खास करके सात को माना जाता है, लेकिन अब राखीगढ़ी की बात करें तो आठ हो जाएंगे। उन सारे के सारे नगरों की अगर चर्चा करें तो इस तरीके से इनके सारे के सारे क्लू सामने आ जाते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे फेस करेक्टर हैं जो पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में क्या धार्मिक पहलू था? तो धार्मिक पहलू था, उसके सोच साक्ष्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्नानागार हो जाएगा, साथ ही पुरोहित आवास, पुरोहित आवास हो जाएगा। तीसरा क्या साक्ष्य हो सकता है? तीसरा साक्ष्य हो सकता है कि जो आपके मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जिसपे पशुपति का अंकन है, वहां से भी इसको आप शिव की प्रतिमा के रूप में जोड़ सकते हैं। यह भी एक धार्मिक पहलू था, पशुपति का अंकन। और देखा जाए उन लोगों ने अपना धार्मिक पहलू कौन कौन सी चीजों से, मतलब धार्मिक रूप से वो जुड़े हुए थे, कौन कौन से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि वो धार्मिक जुड़ाव रखते थे। वहां पे आपको वृक्ष पूजा, नदी पूजा, नदी पूजा, जानवरों में एक बैल था, एक सिंगी, उसको बहुत ही ज्यादा धार्मिक रूप से वो महत्व देते थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जानवरों की भी पूजा होती थी। ये ऐसे साक्ष्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता को धार्मिक रूप से जोड़ते हैं। फिर पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जानकारी भी देखने को मिलती है, या मतलब व्यापार संबंधी, वाणिज्य संबंधी? आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन की बात करें अगर, तो व्यापार इनका चरम पे था, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, व्यापार और वाणिज्य। अच्छा, ये दो शब्द हैं हमेशा एक साथ आते हैं, इन दोनों में ऐसा अंतर है जो अपने आप में इनको अलग कर देता है, लेकिन वो कहने को देखा जाए अगर, नॉर्मली इसमें अंतर लोग करते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य में अंतर क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स लिखते हैं इसको, ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है जब आप खरीदारी या बिक्री करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड। जैसे अब वो ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही हो, एक वस्तु दिए दूसरी वस्तु ले लिए, या आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो पैसे देकर, खास करके इस समय तो प्लास्टिक मनी आ गई और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, ढेर सारी चीज़ें आ गई। तो ट्रेड में क्या मिल रहा है? केवल आपको बेचने और खरीदने जैसी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में खरीदने बेचने, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाला रॉ मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें उसने ड्यूटी एंड टैक्स वगैरह दिया है, उस सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे कॉमर्स में आ जाएंगे। तो इसलिए जो कॉमर्स और ट्रेड है वो दोनों संकल्पनाएँ अलग अलग हैं, दोनों में विभेद होना चाहिए। तो व्यापार और वाणिज्य था यहाँ पे, खूब जम के था, इनका व्यापार विदेशों में होता था, समझ रहे हैं? विदेशों से इनके व्यापार देखने को ले हैं, विदेशों में कहाँ कहाँ से? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, इन जगहों से इनके व्यापार हुआ करते थे। तो व्यापार का भी क्षेत्र आपने देख लिया, आर्थिक जीवन में इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति थी। ठीक है, इस आर्थिक जीवन में कृषि के भी, अगर कृषि के ऊपर भी अगर दृष्टिपात करें तो कृषि भी बेहतर तरीके से हो रही थी इनकी। असल में मुद्दा क्या था, उस समय के लोग
डिवीजन ऑफ लेबर पे काम कर रहे थे, मतलब सभी लोगों के लिए काम बटे हुए थे। जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया वो उसी काम में अपना महारत हासिल कर लेता था। अगर कृषि संबंधी कार्य है तो कृषि संबंधी कार्यों में भी अलग अलग उनके अपने अपने पोर्शन हुआ करते थे कि भाई तुमको ये काम संभालना है, इनको ये काम संभालना है। अगर वाणिज्य व्यापार में और अन्य चीज़ों पर बात करें, जैसे कि कोई रिफाइनरी कंपनी जैसे इस समय लग रही, जैसे उस समय छोटे मोटे स्तर पे होता था, कुटीर उद्योगों में लोहार हुआ या और कोई, तो उनके सबके अलग काम होते थे। वो अपने कामों में इतने महारत हासिल कर लेते थे कि अपना काम वो बड़ी ही आसानी से कम समय में ज़्यादा बेहतर कर देते थे, और जो समय बचता था वो समय अपना मनोरंजन के साधनों में और अन्य चीज़ों में लगाते थे। लेकिन काम कभी भी कोई दूसरे काम को अतिक्रमित नहीं करता था, सब अपने अपने में ही मस्त रहते थे। तो इस वजह से चीज़ें जो मिलती थी एकदम एक्यूरेट मिलती थी। आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में अगर किसी को जॉब नहीं मिली तो होटल खोल लिया, होटल नहीं चला तो कुछ और करने लगे। ठीक है, जैसे लड़के पढ़ने आते हैं तो शुरुआत में क्या करने आते हैं भाई, कहेंगे भाई यूपीएससी, यूपीएससी नहीं निकला तो स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन नहीं निकला तो और नीचे चले गए। फाइनली वो लास्ट में आएंगे कि चलो यार टीचिंग कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं ठीक से कर पाते। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि वो कुछ भी नहीं करते थे, बस एक ही काम के लिए लगे रहते थे, आजीवन वही काम करने रहते, और इसकी वजह से वो उसमें विशेषीकृत हो जाते थे और उनके कार्य बहुत ही विशिष्ट होते थे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आता था। तो आपने आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन दो देख लिए। अब बात आती है राजनीतिक जीवन की। क्या इन लोगों में कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली हैं जिनसे ये समझ में आता था कि उस समय को नेतागिरी टाइप का या राजा या कुछ ऐसा अस्तित्व था? तो बिल्कुल था। आपने सबसे पहले तो बात की होगी दुर्ग की, ठीक है, जो क्षेत्र था उसमें मैंने हर बार बताया कि एक क्षेत्र होता था जो दुर्गीकृत रहता था। अब दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग को हिंदी में आप और ज़्यादा अच्छे से अगर देखना चाहें तो ये क्या होता है, दुर्ग सुरक्षा प्राचीर होता है ना, सुरक्षा दीवाल। तो जब सुरक्षा प्राचीर है तो सुरक्षित करने वाले लोग भी होंगे, इसका मतलब है इस समय क्या थे, सैनिक वगैरह भी रहे होंगे। अगर सैनिक हैं तो सैनिकों के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई और मंत्री रहा होगा, सैन्य मंत्री वगैरह, नहीं रहा होगा तो कोई उनका मुखिया होगा, कुछ तो ज़रूर रहा होगा, नहीं तो ये आपस में ही मतभेद के चक्कर में लड़ जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर भी कंट्रोल हो रहा था। और ओवरऑल अगर देखा जाए राजनीतिक जीवन में कोई ऐसी भी शक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति भी होता था उस जमाने में जो इनके ऊपर भी और आपके आर्थिक क्षेत्र वाले पर भी, धार्मिक क्षेत्र वाले पर भी, सबके ऊपर कंट्रोल करता होगा, सबका सुपरविजन करता होगा, जैसे राजा जैसी संरचना कोई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन पर ये आप शंका या आशंका लगा सकते हैं, क्योंकि बगैर राजनीतिक जीवन के या बगैर इस तरीके की व्यवस्था के इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी सभ्यता नहीं चल सकती थी, जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम वेल अप टू डेट होती हों। यहाँ पे तो एक छोटे से गांव में यार पंगा हो जाता है कि कहीं मामला है कि तुम्हारे यहाँ के लोग आए, हमारे यहाँ ये सब काम कर गए, और ये लोग पूरा का पूरा जीवन निकाल दिए, खास करके 2500 से 1500 मतलब 1000 साल पूरा बिताए। तो इसका मतलब है यहाँ पे राजनीतिक जीवन उत्तम अवस्था में था, बेहतर था, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। और उसका सीधा सा कारण है लिपि का ना पढ़ा जाना। अगर पढ़ ली जाती है इसकी लिपि तो ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।